ऑल राइट गाइस, तो चलो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते गाइस। तो आप ये सिरिंज आपको पता ही होगा, जो इंजेक्शन होता है वो भी ज़रूरत पड़ता है। तो मैं अपनी घर के पास वाले, इसमें नीडल भी दिया है यार सी, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इस सिरिंज का यूज़ होगा। राइट ओके, ये मैंने थोड़ा बहुत ले ली हूँ, कभी यूज़ होगा। और ये सेफ्टी के लिए आपको ग्लव्स यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि आप देख लो ये सारी जो चीज़ें केमिकल है। तो और ये भी लेकर आएगा जिसमें आप पोर करोगे, मिक्स करोगे। राइट, तो और ये स्पून जिसे आप मिक्स कर सको प्रॉपर, और अलग अलग कलर बनाओगे तो ग्लासेस ज़्यादा पड़ेंगे, इसलिए मैंने तुम यहाँ रुक इसका मैंने ले लिया, और इतने सारे स्टिक ले लिए ताकि अच्छे से पोर और मिक्स हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर शूट तो नहीं कर पाऊँगी इस, क्योंकि या तो मैं बना लूँ या फिर ऐसे रखे रहूँ, तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मैं ऐसे। सो गाइज, अब आप देख सकते हो ये पूरा मैंने डेकोरेट कर दिया, काफ़ी टाइम लगा। और पता है क्या, बहुत केयरफुली इसे करना पड़ रहा था, क्योंकि सारा कांच का टुकड़ा है गाइज, और एक दो बार मेरे हाथों में लगा भी, पर ब्लड नहीं आया, डोंट वरी अबाउट इट। तो या ये है मेरा कलर, आप देख सकते हो ये पिगमेंट का है। तो फाइनली मैं ये सारी चीज़ अब निकाल दी हूँ, अब मैं जा रही हूँ इसमें ये रेजिन का लिक्विड फॉर्म करूँगी, और उसके बाद फिर कलर बनाऊँगी, फिर कलर से जो भी डिज़ाइन देना होगा मुझे वो फाइनली मैं दूँगी। और हाँ, ये एक दिन में बनने वाला पेंटिंग नहीं है गाइस, ट्रस्ट में, क्योंकि इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं पूरा वन डे तो लग जाता है। तो आज मैं इसमें पूरा जो भी होना होगा वो करूँगी, फिर ड्राई होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ना 24 घंटे के बाद होगा, यानी ये 2 से 3 दिन लग जाएगा एक रेडी होने में। तो ये करने के बाद फिर मैं एक तुरंत शुरू कर दूँगी, वो अलग पैटर्न का बनाऊँगी। तो ये दोनों को बनाकर इसे ड्राई के लिए छोड़ दूँगी, तो एक दिन लगे, 2 दिन लगे, जो जब भी लगे वो होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो किया जाएगा वो मैं करूँगी।
फ्लावर्स हैं इससे। एक का तो बेस मैंने रेडी कर दिया, अब सोच रही हूँ इसका ही बेस रेडी कर दूँ फटाफट, इसके बाद फिर इसको ड्राई होने में 2 दिन लगता है गाइस, 4 to 2 days के लिए ड्राई होगा, उसके बाद फिर आपको ये मिलेगा देखने को। ये रहा मेरा दूसरा पेंटिंग, सी।